नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आप सभी बच्चों का टारगेट विथ आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों हम लोग फिलहाल एसएससी एमटीएस 2023 के लिए अर्जुन बेंच में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका 3 बजे से मैथ्स की क्लास चलती है। तो बच्चों इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन और बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए है। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि हर चैप्टर का मैं कॉन्सेप्ट बच्चों पढ़ाता हुआ आगे बढ़ता जाऊँगा, तो यहाँ लगभग 5 से 6 चैप्टर जैसे ही मैंने पहले दिन आपको शेड्यूल बता दिया था उस अकॉर्डिंग हम बच्चों काफ़ी सारे चैप्टर खत्म कर चुके हैं। और आज बच्चों आपका नंबर है 9 और धारा का, जिसे हम बूट एंड स्ट्रीम भी कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसे इसका बेसिक समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 9 और धारा बहुत टफ लगता है, क्योंकि उन्हें बेसिक पता नहीं होता है बच्चों। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि 9 और धारा होता क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों पानी आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका रुका हुआ पानी होता है और दूसरा बच्चों आपका बहता हुआ पानी होता है। तो बच्चों अगर हम एक तालाब की बात करें, ठीक है ना, या तो आप बच्चों तालाब की बात करें, ठीक है ना, अगर बच्चों हम तालाब या तो बच्चों हम तालाब की बात करें या फिर कुएं की बात करें, तो बच्चों तालाब का जो पानी होता है वह हमेशा रुका हुआ होता है, ठीक है ना। कुएं में भी पानी बच्चों हमेशा क्या होता है, रुका हुआ होता है। यहाँ धारा की अपनी कोई गति नहीं होती है। दूसरा बच्चों आपका नदी होता है, जहाँ धारा बहता हुआ होता है, ठीक है ना बच्चों। तो नदी की बात करें तो नदी में धारा होती है, और बच्चों अगर हम तालाब में बात करते हैं तो तालाब में आपके धारा की कोई गति नहीं होती है, जो पानी होता है वह स्थिर होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए यहां एक बोट है, अगर यहाँ एक नाव है, ठीक है बच्चों, तो अगर किसी नाव को हम तालाब में छोड़ दें और नाव की अपनी कोई गति ना हो, तो बच्चों क्या नाव तैरेगा? आप कहेंगे नहीं सर, नाव वहीं खड़ी रहेगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर यहां पर नाव को हम एस स्पीड दे देते हैं, तो बच्चों यहां केवल और केवल चाल किसकी होगी? तो केवल और केवल नाव की होगी। क्या पानी की कोई चाल रही होगी? तो आप कहेंगे नहीं रही होगी। बात समझ में आया बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पानी रुका हुआ है, ठीक है ना, तो बच्चों यहां केवल और केवल नाव की चाल रहेगी। तो बच्चों केवल और केवल नाव की चाल को हम क्या कहते हैं? तो यह बच्चों आपका वर्ड क्या होता है? तो स्थिर जल में, स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल, ठीक है ना, नाव की चाल। तो बच्चों कभी भी अगर स्थिर चाल में लिखा हुआ है, ठीक है ना, स्पीड इन अ स्टिल वाटर का मतलब क्या होगा? कि वहां केवल और केवल नाव की बात की गई है, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों एक वर्ड आपका आता है धारा की चाल, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अगर हम धारा की चाल की बात करें, तो बच्चों अगर आप नाव में जाते हैं, ठीक है ना, सॉरी, अगर आप नदी में जाते हैं, ठीक है, तो धारा की अपनी एक चाल रही होगी। और बच्चों अगर आप उसमें तैरना चाहते हैं तो 2 तरीके से तैर सकते हैं, या तो उसके अनुकूल जाएंगे या तो उसके प्रतिकूल जाएंगे, ठीक है ना, या तो डाउनस्ट्रीम जाएंगे या तो अपस्ट्रीम जाएंगे, ठीक है। यानी जिस दिशा में पानी बह रहा है अगर उसी दिशा में आप जाएंगे, ठीक है, तो यह आपका अनुकूल कहलाएगा, डाउनस्ट्रीम कहलाएगा। और बच्चों अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वह आपका प्रतिकूल कहलाएगा, अपस्ट्रीम कहलाएगा। इस बात को बच्चों ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, कभी भी अगर नदी की बात की जाएगी तो नदी में एक वर्ड आपको हमेशा दिखेगा, और वह होगा नाव की चाल। तो बच्चों अगर नाव की चाल, केवल और केवल नाव की चाल कही गई है, तो बच्चों नाव की चाल का मतलब क्या होगा? तो बच्चों अगर यहां हम नाव की बात करते हैं, ठीक है ना, तो बच्चों यहां आपका नाव की अपनी एक चाल रही होगी, और साथ में यहां जो पानी दिख रहा है, बहता हुआ पानी, उसकी भी तो अपनी चाल रही होगी। तो बच्चों यहां नाव की चाल का मतलब क्या है? एक तो नाव का अपना चाल, यानी इसे हम S1 मान लें, ठीक है ना। और बच्चों केवल और केवल अगर नाव की बात की जाए तो S1 मतलब क्या होता है? स्थिर जल में नाव की चाल। तो बच्चों कभी भी S1 का मान क्या होगा? तो यह स्थिर जल में नाव की चाल। और बच्चों दूसरा क्या होगा आपका? वह होगा नदी की चाल, ठीक है ना, यानी धारा की चाल। तो धारा की चाल को हम क्या लेंगे? S2 के बराबर, ठीक है बच्चों।
तो कभी भी अगर स्थिर जल में नाव की चाल की बात कही जाती है तो ये बात बच्चों आपको समझना है, यह क्या हो जाएगा, S1 होगा। और उसी तरह बच्चों अगर हम धारा की चाल की बात करते हैं, तो धारा की चाल, तो बच्चों धारा की चाल क्या हो जाएगी, तो यह आपका क्या होगा, तो यह आपका बच्चों H2 होगा। यह क्या होगा बच्चों, आपका H2 होगा, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इन दो वर्डों को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे बच्चों अगर कह दिया जाए, अब देखिए मैं थोड़ा सा और विस्तृत में आपको समझाता हूं। जैसे अगर कह दिया जाए नाव की चाल, ठीक है ना बच्चों, अगर कह दिया जाए नाव की चाल, तो बच्चों नाव की चाल का मतलब क्या है, इस बात को समझना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो अगर नाव की चाल केवल कही गई है तो नाव की चाल का मतलब क्या रहा होगा, यानी नाव की अपनी एक चाल रही होगी और साथ में धारा की चाल रही होगी। तो बच्चों केवल और केवल अगर नाव की बात करनी हो तो नाव की बात करने का जो तरीका होगा वह तरीका क्या होगा, तो उसे हम क्या लिखेंगे, स्थिर जल में नाव की चाल। और दूसरा क्या होगा, धारा की चाल। तो बच्चों इन दो बातों पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन्हीं दो बातों पर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर स्थिर जल में नाव की चाल कही गई है और नाव की चाल कही गई है तो दोनों वर्ड आपका अलग अलग है, तो कभी बच्चों अगर नाव की चाल दी गई है, अगर स्टार्टिंग में स्थिर जल नहीं लिखा हुआ है, अगर स्टिल वाटर नहीं लिखा गया है, इसका मतलब क्या होगा, तो स्थिर जल में नाव की चाल तो होगी होगी और साथ में क्या होगा, धारा की चाल भी होगी, ठीक है बच्चों। तो कभी भी इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखना है, लोग अक्सर यहीं पर गलतियां करते हैं। तो बच्चों यह आपका S1 हो जाएगा और यह आपका क्या होगा, S2 होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां अगर नाव की चाल कभी भी केवल और केवल नाव की चाल कही जाएगी, ठीक है, तो इस बात पर बच्चों आप हमेशा गौर कीजिएगा, कभी भी अगर नाव की चाल कही गई है, ठीक है ना, तो नाव की चाल का मतलब क्या होगा, यह या तो S1 प्लस S2 होगा या तो यहां S1 माइनस S2 होगा, ठीक है बच्चों। तो नाव की चाल अगर क्वेश्चन में कह दिया जाता है, 90% बच्चे यहीं पर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, उनको लगता है दोनों चीज एक होता है, अगर नाव की चाल कही जाए या स्थिर जल में नाव की चाल कही जाए, दोनों बच्चों अलग होता है। इन्हीं बात में अगर आप डिफरेंस सीख जाते हैं फिर आपको यह चैप्टर एकदम हलवा लगेगा, एकदम आसानी से क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इस बात को आप नहीं समझते हैं तो मैक्सिमम लोग को बच्चों यहीं पर दिक्कत आती है, ठीक है। तो बच्चों फिर से देखिएगा, अगर हम फिगर की बात करेंगे तो पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले जल आपका दो प्रकार का होता है, एक तो आपका स्थिर जल, जैसे आपका तालाब होता है, कुआं होता है, दूसरा आपका नदी होता है जहां पर बहाव होता है, ठीक है बच्चों। तो यहां अगर बहाव दिया हुआ है तो बहाव को हम क्या कहेंगे, धारा की चाल कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां आपका दो प्रकार से, जैसे आप बचपन में जाते होंगे या फिर नदी में आप जाते होंगे, नदी में अगर आप तैरते होंगे तो जिस धारा में, ठीक है ना, जिस दिशा में धारा बह रही है, अगर उसी दिशा में आप तैरना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चों आप जल्दी पहुंच जाएंगे, होगा ये बात। और दूसरा कंडीशन क्या होगा बच्चों, अगर धारा के विपरीत आप जाएंगे तो धारा के विपरीत जाने में बच्चों आपको समय क्या लगता होगा, अधिक लगता होगा, कठिनाई अधिक लगती होगी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों अगर हम बात करें, जैसे यहां पर आपको दिखाया गया है, देखिएगा जैसे पहले कंडीशन में दिखाया गया है कि डायरेक्शन ऑफ अ बोट, ठीक है ना, तो बोट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा धारा भी आपका इस दिशा में है। तो बच्चों अगर दोनों की दिशा समान रहेगी, ठीक है, तो बच्चों आप खुद सोचिए, धारा आपको 5 किलोमीटर आगे ले जा रही है और आपकी अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो 5 और 3 8, क्या यह 8 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आया है। तो बच्चों अगर दोनों का, यानी बोट का और स्टीम की दिशा अगर सेम रहेगा तो सापेक्षित चाल क्या होगा, तो यह आपका S1 प्लस S2 के बराबर, या क्या
क्या हो जाएगा S1+H2। यानी अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं बच्चों, तो यहां आपका डाउन स्ट्रीम क्या होगा S1+H2। इसी तरह बच्चों अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें, यानी अगर हम धारा के विपरीत जाते हैं बच्चों, तो देखिएगा अगर धारा के विपरीत जाते हैं तो यहां साफ साफ दिखाया गया है डायरेक्शन ऑफ अ बोट, यानी बोट आपका इस तरह से जा रहा है और स्ट्रीम यानी आपका धारा इस प्रकार से जा रहा है। तो बच्चों अगर आप उल्टा जाएंगे, ठीक है ना, तो इस बात को समझिएगा, अगर धारा आपकी 5 किलोमीटर पर आवर से बह रही है और आप जहाज पर बैठकर 8 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहे हैं, तो बच्चों अगर ये 8 किलोमीटर आगे जा रही है तो धारा इसे 5 किलोमीटर पीछे भी तो ले जा रही है, तो ओवरऑल जो नाव है वह कितना आगे बढ़ेगी। तो आप कहेंगे सर 8 आगे गई है लेकिन धारा 5 किलोमीटर पीछे ले गई है, यानी ओवरऑल कितना होगा, क्या 3 किलोमीटर होगा। तो आप कह सकते हैं यहां अगर अप स्ट्रीम है तो यह आपका S1-H2, ठीक है ना, यह बच्चों क्या हो जाएगा S1-H2। और बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा केवल और केवल नाव की बात की जाएगी, ठीक है ना। अगर केवल लिखा गया है नाव की चाल, तो नाव की चाल क्या होगी, या तो आपका डाउन स्ट्रीम होगा या तो बच्चों अप स्ट्रीम होगा, ठीक है। और बच्चों यहां S1 मतलब क्या होता है, तो S1 मतलब होता है स्थिर जल में नाव की चाल। और बच्चों उसी तरह S2 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर S2 का मान क्या होगा, धारा की चाल, ठीक है बच्चों। अब याद कीजिए स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा हमने आपको बताया था अगर दोनों विपरीत रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस जल्दी कर जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों की दिशा विपरीत रहती तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे। और बच्चों अगर दो ट्रेन एक साथ चल रही है तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाता था, घट जाता था। यहां उसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। अगर जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में आप भी चलना स्टार्ट कर देंगे, जैसे पहाड़ की बात करें, ठीक है ना बच्चों, पहाड़ में ऊपर अगर आप नीचे के साइड आना स्टार्ट करते हैं यानी डाउन आना स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप दौड़ते हुए आसानी से आ पाते हैं बच्चों। ढलान में चलना आसान होता है, इवन आप दौड़ते हुए निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ना हो यानी अप स्ट्रीम करना हो तो क्या आपको दिक्कत आती है, क्या आपकी स्पीड घट जाती है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, अगर डाउन स्ट्रीम है इंग्लिश में आपको हमेशा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मिलेगा, हिंदी में आपको कई सारे नाम मिलेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों अगर कभी भी आपको दिक्कत आता है तो इंग्लिश वाला नाम देख लीजिए, इवन हिंदी में भी कभी कभी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हिंदी में ही लिखा मिलता है, ठीक है बच्चों। तो अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो घट जाएगा, डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम S1 की बात करते हैं तो S1 क्या हो जाएगा, स्थिर जल में नाव की चाल। और बच्चों S2 का मान क्या होगा, धारा की चाल, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपको समझ में आया होगा, सिंपल है आपका, ठीक है ना। तो यह आपका क्या है बच्चों, यह आपका डायरेक्शन। अब बच्चों इसकी बात करें, ठीक है ना, तो यह आपका बच्चों डायरेक्शन क्या होगा, यह आपका सेम होगा, ठीक है ना। और यह आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जब डायरेक्शन आपका अपोजिट है ना, यानी विपरीत है। तो बच्चों विपरीत दिशा में क्या होता है, S1-H2। उसी तरह बच्चों अगर आपका डायरेक्शन सेम है यानी एक ही डायरेक्शन में आप जा रहे होंगे, तो बच्चों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो यह आपका S1+H2 होगा, ठीक है बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि नाव की चाल का मतलब क्या है, और दूसरा वर्ड है स्थिर जल में नाव की चाल का मतलब क्या है। तो स्थिर जल में नाव की चाल की बात की गई है, यानी केवल और केवल नाव की बात की गई है, इसके अलावा कोई और बात नहीं की गई है। लेकिन अगर लिखा हो नाव की चाल, तो नाव की चाल का मतलब क्या होगा, स्थिर जल में नाव की चाल और प्लस में धारा की चाल। तो बच्चों इन दोनों बातों को हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग को यहीं पर कंफ्यूजन होता है, ठीक है बच्चों। तो इस कंफ्यूजन को हमेशा दूर रखिएगा तो ये चैप्टर एकदम आसान लगेगा, नहीं तो ये चैप्टर काफी लोगों को दिक्कतें आती है, ठीक है ना। और हमने आपको याद करा दिया अगर पहाड़ से नीचे जाते हैं तो डाउन स्ट्रीम, तो भाई दौड़ते हुए यानी स्पीड बढ़ जाएगी, तो दोनों को हम जोड़ेंगे। और उसी प्रकार अगर बच्चों हम ऊपर की तरफ अप स्ट्रीम जाते हैं, पहाड़ में ऊपर चढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो आपका स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। तो स्पीड अगर घट रहा है यानी आपका S1-H2। उम्मीद है ये सारी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो यहीं से कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो यहां पर ये भी कह सकते हैं, देखिए, लेकिन वो फॉर्मूला हम आपको याद नहीं कराएंगे, वो हम डायरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे मैं फॉर्मूला आपको समझा दे रहा हूं जो बनता है। देखिए बच्चों यह आपका क्या कहलाएगा, यह आपका डाउन स्ट्रीम कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, यह आपका डाउन स्ट्रीम कहलाएगा, ठीक है ना, और यह आपका क्या कहलाएगा, अप स्ट्रीम कहलाएगा।
तो बच्चों अगर हम दोनों को जोड़ दें, ठीक है ना, तो ये आपका एस टू कट जाएगा, तो एस वन का मान क्या हो जाएगा, तो बच्चों एस वन का मान क्या होगा, एक बटा में दो अप स्ट्रीम और प्लस में डाउन स्ट्रीम। लेकिन ये फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और दूसरा, अगर बच्चों हम एस टू की बात करें तो एस टू का मान क्या हो जाएगा, तो एक बटा में दो, ठीक है ना, तो डाउन स्ट्रीम को पहले लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस खैर किसी को भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, ठीक है ना। और यह दूसरा क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम और माइनस में अप स्ट्रीम, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बच्चों इतना फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट करेंगे केवल और केवल। बस दो बात आपको ध्यान रखना है कि नाव की चाल का मतलब क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल और प्लस धारा की चाल, ठीक है। और बच्चों अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन है तो आपका स्थिर जल में नाव की चाल और माइनस में धारा की चाल, तो बस यही आपको याद रखना है। अगर इतना बच्चों आप याद रखते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिएगा अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन को कैसे डील करना है इस बात को बच्चों हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा सबसे पहले कहा गया है कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आवर है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव की चाल और धारा की चाल बताइए, ठीक है ना। बच्चों यहां नाव की चाल का मतलब क्या है, बोट इन अ स्टिल वाटर, साफ साफ लिखा हुआ है, यहां स्थिर पानी भी आएगा, ठीक है ना। तो स्थिर जल में, तो स्थिर जल में, ठीक है ना, स्थिर जल में इसे कर दीजिए, है ना, स्थिर जल में नाव की चाल। तो बच्चों यहां साफ साफ कहा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन अ स्टिल वाटर। तो बच्चों सबसे पहला कहा गया है धारा की दिशा में, तो बच्चों अगर धारा के दिशा में जाएंगे तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऐड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां आपका एस वन प्लस एस टू का मान क्या हो जाएगा, तो यह आपका 16 के बराबर दिया हुआ है, 16 किलोमीटर पर आवर। और बच्चों धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो बच्चों नाव की चाल का मतलब क्या है और धारा के विपरीत में क्या है, तो S1 माइनस S2, तो बच्चों यहां S1 माइनस S2, ठीक है, ये आपका कितना 10। तो बच्चों अगर आपको S1 का मान चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, या तो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए या फिर कहिए अगर आपको बड़ा वाला मान चाहिए तो जोड़कर आधा कर दीजिए, और अगर बच्चों छोटा वाला मान चाहिए तो घटाकर आधा कर दीजिए, बस इतना ही तो करना है। तो बच्चों यहां से हम आसानी से कह सकते हैं कि जोड़कर अगर हम आधा कर दें तो S1 का मान क्या होगा, तो यह आपका 16 प्लस 10 और बटा में 2, तो 26 का आधा कितना 13। उसी तरह बच्चों अगर हम S2 की बात करें तो घटा दीजिए, तो 16 माइनस 10 और बटा में 2, तो यह आपका कितना हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है बच्चों। तो स्थिर जल में नाव की चाल कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो यह आपका 13 किलो किलोमीटर पर आवर। और बच्चों अगर हम धारा की चाल की बात करें तो धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहां हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो यहां हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर होगा, 13 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये सारी बातें, सही बच्चों को क्लियर होगी उम्मीद है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए यहां इक्वेशन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, काटने पीटने की जरूरत नहीं है, बड़ा वाला चाहिए तो जोड़कर आधा कीजिए, छोटी वाली संख्या चाहिए तो घटाकर आधा कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसके बाद एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में स्टीमर की नाव स्टीमर की चाल क्या होगी। तो बच्चों शांत जल में, देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शांत जल में स्टीमर की चाल पूछी गई, यानी S1 का मान पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगर आप धारा के विपरीत जाते हैं, यानी यह आपका अप स्ट्रीम दिया गया है, या बच्चों आपका अप स्ट्रीम दिया गया है, तो बच्चों अगर अप स्ट्रीम दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है यह आपका क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, ठीक है ना। और बच्चों यहां कितना किलोमीटर जाते हैं, 72, और कितने घंटे में, तो 3 घंटे में। तो बच्चों अगर हम बात करें चाल की, तो चाल बराबर क्या होता, तो आपका आंसर दूरी को हम समय से भाग देते, तो बच्चों यह आपका कितना के बराबर, तो यह आपका 24 के बराबर। लेकिन बच्चों यहां आपका धारा की रफ्तार कितनी दी गई है, भाई 3 के बराबर दिया गया है ना, तो बच्चों धारा जो है वह 3 के बराबर दिया है, तो S1 माइनस 3 बराबर 24। तो बच्चों यहां S1 का मान क्या होगा, तो 3 को आप ऐड कर दीजिए, तो यह आपका 27 किलोमीटर पर आवर।
तो बच्चों अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आपको सबसे मेन जो टर्म है वो टर्म क्या है, इस बात को समझना कि नाव की चाल क्या होगी और शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। इन दो बातों में अगर आप अंतर कर लेते हैं, ये बात मैं जानबूझकर बार बार समझा रहा हूं आपको, क्योंकि अगर ये इन दोनों के बीच में आप अंतर नहीं समझते हैं ना, तो अक्सर कंफ्यूज रहेंगे और ये चैप्टर हमेशा आपको हार्ड लगेगा। नहीं तो अगर आप समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगेगा, ये चैप्टर ही आपको एकदम हलवा लगेगा, एकदम आसानी से कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह आपका ए ऑप्शन होगा। समझ में आया है सभी बच्चों को? अब देखिएगा, इसके बाद है आपका, एक नदी में धारा का वेग 20 किलोमीटर पर घंटा है, इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में तथा वापस उसी बिंदु तक आने में कुल 110 मिनट लेता है, तो शांत जल में नाविक का वेग क्या होगा। तो बच्चों अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, तो बच्चों दूरी आपके लिए बराबर होगी कि नहीं होगी? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, जितना हम गए हैं उतना ही हम वापस आ गए हैं, तो दूरी बच्चों आपकी बराबर रही होगी। तो मान लीजिए यहां से यहां तक आप जाते हैं, ठीक है ना, और फिर भाई या आप गए होंगे और फिर वापस आए होंगे, तो मान लीजिए धारा की दिशा इस प्रकार से है। तो बच्चों एक बात तो कंफर्म है कि अगर आप जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो एक बार आपको अनुकूल मिला होगा और अगली बार आपको प्रतिकूल मिला होगा। यानी एक बार अगर आपकी डायरेक्शन सेम है, तो जब वापस लौटे होंगे तो आपकी जो डायरेक्शन है वो विपरीत रही होगी। या फिर आप कह सकते हैं जाते समय अगर डायरेक्शन विपरीत है तो आते समय क्या रहा होगा, समान रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं पहले कंडीशन में अगर आप जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो पहले कंडीशन में आपका क्या रहा है, डाउनस्ट्रीम रहा है, और अगले कंडीशन में क्या रह जाएगा, आपका अपस्ट्रीम रह जाएगा, ये बात आप कह सकते हैं। तो बच्चों जाने और आने में यानी आपका जो समय लगा है वह समय कितना, तो यह आपका T1 और यह आपका T2। तो बच्चों यहां T1 प्लस T2 का मान कितना लगा है, तो आप कहेंगे सर यहां 110 मिनट लगा है, ठीक है बच्चों, यह आपका 10 मिनट लगा है। तो बच्चों समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा में चाल। तो बच्चों अगर हम इसे दूरी डी मान लें, ठीक है ना, तो अगर दूरी की दूरी दी तो नहीं गई है, दी गई है 20 किलोमीटर दिया गया, मानने की जरूरत नहीं है, ये आपका 20 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों 20 किलोमीटर जाते हैं और धारा के अनुकूल जाते हैं, तो S1 प्लस S2 होगा, और बच्चों अगर धारा के विपरीत आते हैं तो 20 किलोमीटर और चाल कितना, तो यह आपका S1 माइनस S2 होगा, और यह आपका 110, और अगर घंटे में चेंज कर लें तो क्या यह 60 के बराबर होगा। अब बच्चों यहां से सॉल्व करना आसान क्या हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है ना। पहले हम आपको पूरा सॉल्व करके बताते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां धारा की चाल 2 किलोमीटर दिया हुआ है ना, तो बच्चों S2 का मान 2 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहां पर हम 2 रख देते हैं, ठीक है ना, या हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, इसे हम डायरेक्ट 2 रख देते हैं, इसे डायरेक्ट हम 2 रख देते हैं, ठीक है। तो यह आपका S माइनस क्या हो जाएगा, 2 के बराबर, धारा की चाल तो दी गई है। तो बच्चों अगर इसे हम सॉल्व करें, ठीक है, तो यह आपका 0 से 0 कट गया, 20 अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है ना, तो यह आपका S माइनस 2 और प्लस में S प्लस 2, और यह आपका क्या हो जाएगा, S स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर 4, यह आपका 11 बटा में 6, ठीक है ना। तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, और ये आपका 6 दुना 12 और 12 दुना 24, ये आपका 2S होगा, तो 6 दुना 12 120, 120 दुना 240, तो ये आपका 240S बराबर, ये आपका 11S स्क्वायर और माइनस में 44S लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका कितना 44S। अब बच्चों इसको अगर इधर लेकर आए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 11x स्क्वायर माइनस 44s और माइनस में 240 बराबर 0, सॉरी ये 11 दोनों, ये s कहां से आ गया, एक मिनट रुक जाइएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 11 चौके 44, ठीक है, और माइनस में 44, दो सौ चालीस एस माइनस में 44 बराबर 0। तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह आपका 240 कैसे टूटेगा, तो 242 माइनस में 2 टूटेगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से सॉल्व करेंगे इससे, तो यह आपका क्या आ जाएगा, तो यहां से आपका कॉमन ले लीजिए 11s स्क्वायर
-242 एस और प्लस में 2s और माइनस में 22 बराबर 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहां से आपका क्या आ जाएगा, यह आपका 11s और प्लस में 2 और दूसरा क्या आ जाएगा s माइनस 22, यह आपका कितना हो जाएगा s माइनस 22। तो बच्चों यहां से s का मान क्या निकल जाएगा, तो यह आपका 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो s का मान क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया बच्चों, और अगर दूसरा तरीका देखें, ठीक है ना, तो इसी को हम चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हम इसको लिख देते हैं। ये आपका 20 अपॉन s प्लस 2 है, देखिएगा 20 अपॉन s प्लस 2 है और प्लस 20 अपॉन s माइनस 2 है, यह आपका 110 दिया हुआ है। तो बच्चों यहां हम अगर ऑप्शन रख दें तो ऑप्शन 23 22 20 दिया हुआ है और उसके बाद फिर दिया हुआ है 30 के बराबर, तो यह आपका 30 के बराबर। तो बच्चों देखिए यहां पर आप ऐसा टर्म रखिए जो 20 आ जाए, ठीक है ना। हम यहां क्या रख दें कि यहां से 20 से 20 कट जाए, तो बच्चों या तो आपको क्या रखना पड़ेगा भाई, 23 हम रख नहीं सकते क्योंकि 23 रखेंगे 23 दो 25 और 23 में से 2 जाएगा 21 आ जाए, तो आपको पता है 110 नहीं आ सकता है। तो बच्चों जैसे ही हम 22 रखकर देखते हैं, तो बच्चों अगर 22 रख के देखते हैं तो 20 बटा में 24 और प्लस 20 बटा में 20, तो बच्चों यह आपका 1 घंटा हुआ और बच्चों यह आपका 5 बार में और ये आपका 6 बार में, तो 5 बटा में 6 कितना होता है, क्या ये 50 मिनट हुआ, ये आपका 50 मिनट हुआ और प्लस 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, तो ये आपका 110 मिनट हुआ, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर हम ऑप्शन से करेंगे बच्चों तो चीजों को आसानी से कर पाएंगे। तो ऑप्शन रखिए, फटाफट पुट कीजिए, नहीं तो पूरा इक्वेशन सॉल्व करने में हमें काफी समय लग जाएगा और समय जाया करने की आवश्यकता बच्चों बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो है वो समय का खेल है। अगर समय आप बचा ले जाते हैं, सही समय पर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए बच्चों इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है, उस आदमी की स्थिर जल में गति क्या होगी। तो बच्चों यहां आपका दूरी कांस्टेंट दिया हुआ है कि एक बार आप 900 मीटर जाते हैं और एक बार वापस आते हैं। तो बच्चों अगर आपको समय अधिक लगता है, यानी आप विपरीत जा रहे हैं, अगर आपको समय कम लगता है, इसका मतलब आप उसी दिशा में चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर आपका अपस्ट्रीम है तो यह आपका S1 माइनस S2 होगा और यह बच्चों आपका 900 मीटर। तो बच्चों अगर 900 मीटर की बात करें तो 900 मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करें तो क्या 1000 से भाग दे देंगे, तो यह आपका 0.9 किलोमीटर होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा, तो बच्चों इसको हम 0.9 किलोमीटर लिख दें और 12 मिनट, तो बच्चों अगर मिनट को घंटे में बदलना हो तो 60 से भाग दे दीजिए, तो ऊपर आपका 60 से गुणा हो जाएगा, अब ये आपका किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपका S1 प्लस S2 0.9 बटा में कितने सेकंड में, सॉरी कितने मिनट में, 9 मिनट में, और गुणा में कितना, तो ये आपका 60, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। तो यहां से आप लिख सकते हैं S1 माइनस S2 का मान क्या हो जाएगा, तो 12 25 60, ठीक है, और 5 9 45, तो ये आपका 4.5। और S1 प्लस S2 की बात करें तो ये आपका 9 से 9, तो ये कितना 6 के बराबर। तो बच्चों अगर S1 का मान चाहिए तो आप जोड़कर आधा कर दीजिए, S2 का मान चाहिए घटाकर आधा कर दीजिए, तो स्थिर जल में गति क्या होगी, तो आदमी की जो गति है वो स्थिर जल में, तो स्थिर जल वाला कौन सा होता है बच्चों, S1 होता है। तो S1 के लिए हम क्या करते हैं, तो S1 अगर निकालना है तो जोड़कर आधा कर दीजिए, तो 6 + 4.5 और बटा में 2, यानी 10.5, तो यह आपका 5.25, यानी 5 1 सही 4, तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 5 सही 1 बटा में 4, ठीक है बच्चों।
तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है, ठीक है, कि आपका जो क्वेश्चन में कहा गया वो प्रतिकूल है या अनुकूल है। और केवल नाव की चाल दी गई है, इसका मतलब क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल तो होगी ही होगी और साथ में धारा की भी चाल होगी। अगर विपरीत जाता है तो दोनों घट जाएगा, दोनों की दिशा समान है तो ऐड हो जाएगा। बस यही बात तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नौका स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर घंटा है। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका को चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा। तो बच्चों अगर एक पॉइंट पर जाता है तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह आपका कितना 22.5 के बराबर दिया हुआ है। और बच्चों सबसे पहले धारा की गति, यानी यहां आपका S1 और S2 दिया हो, तो बच्चों S1 का मान क्या दिया हुआ है, तो S1 का मान दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। और बच्चों S2 का मान क्या दिया हुआ है, तो यह आपका 1.5 के बराबर दिया हुआ है ना। साफ साफ कहा गया है स्थिर जल में गति कितना है नाव की 6, धारा की गति कितना है 1.5। अब बच्चों अगर आप धारा के अनुकूल जाते हैं, मान लीजिए आपका जो डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपका डायरेक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों जब आप जाएंगे, मान लीजिए ये डायरेक्शन है, तो ये आपका S1 प्लस S2 होगा, और जब वापस आएंगे तो बच्चों धारा के विपरीत आएंगे, तो बच्चों यह आपका क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, ठीक है। तो यहां सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए तो यह आपका 7 के बराबर, और यहां सापेक्षिक चाल क्या होगा, तो 6 में से 1.5 घटा दीजिए तो 4.5 के बराबर होगा। तो यह आपका रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा बच्चों। अब देखिए, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, तो समय की बात करें बच्चों तो यह आपका क्या होगा, T1 प्लस T2, ठीक है। तो जाने में लगा समय T1, आने में लगा समय T2। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम समय की बात करते हैं तो दूरी कितना है, तो यह आपका 22.5। और बच्चों अगर यह डाउन स्ट्रीम है तो सापेक्षिक चाल क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो यह आपका 7.5 के बराबर, यह कितना हो जाएगा, 7.5 के बराबर, ठीक है। और जब वापस आते हैं तब आपका अप स्ट्रीम है, घट जाएगा आपस में, तो यह आपका 22.5 और बटा में दोनों को घटा दीजिए तो यह आपका 4.5। तो बच्चों यह आपका कितनी बार में कैंसिल होगा देख लीजिए, तो 7×21, तो बच्चों यह आपका 3 बार में, और यह आपका 4×5=20, यानी टोटल समय कितना लगेगा आपको, तो यह आपका 8 घंटा बच्चों उत्तर हो जाएगा। तो यहां से बच्चों आप आसानी से कह सकते हैं कि अगर आप एक स्थान पर जाते हैं और फिर उसी स्थान पर अगर वापस आते हैं तो बच्चों आपको जो टोटल समय लगेगा वह समय कितना लगेगा, वह आपका 8 घंटा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद है सभी बच्चों को सारी बातें समझ में आ रही होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एकदम आसान चैप्टर होता है, अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे, ठीक है ना, चीजों को समझेंगे तो ये चैप्टर एकदम आसान लगेगा। और खुदा न खास्ता अगर एग्जाम ये क्वेश्चन आ गया तो मानकर चलिए 2 नंबर एकदम आपके फिक्स है, कहीं नहीं गए, ठीक है ना। बस 2 बातों का ध्यान रखना है, बार बार मैं यही बात समझा रहा हूं। पहला बात क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल का मतलब क्या होता है, और दूसरा नाव की चाल का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों। इन दोनों बात को एकदम ध्यान रखना है। तो केवल और केवल अगर नाव की चाल लिखी हुई है, नाव की चाल, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 बातें ऐड होगी, एक तो स्थिर जल में नाव की चाल और प्लस धारा की चाल, ठीक है। तो अगर दोनों की दिशा समान है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और दोनों विपरीत, मान लीजिए धारा इस प्रकार से चल रहा है और आप इस प्रकार से नाव में बैठकर चलना चाह रहे हैं, तो बच्चों दोनों का जो दिशा है वो विपरीत है, अलग अलग है, तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके आगे फिर नेक्स्ट आते हैं हम, देखिएगा अगर इसकी बात करें तो यहां आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राजन ठहरे हुए पानी, ठहरे हुए पानी का मतलब क्या है, स्थिर की बात की जा रही है, ठीक है ना। स्थिर जल में ठहरे हुए पानी में 7.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से नाव चला रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों यहां ठहरे हुए पानी की बात की गई है, यानी S1 का मान कितना दिया हुआ है, 7.5 के बराबर, ठीक है।
अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव चलाने के लिए उसे दो गुना समय लगता है, तो धारा की गति क्या होगी। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक स्थान पर जाते हैं फिर वापस आते हैं, तो बच्चों यहां आपका जो दूरी है वह दूरी क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर दूरी तो हमारा कॉन्स्टेंट है। तो बच्चों दूरी अगर कॉन्स्टेंट है तो समय और चाल के बीच का जो रिलेशन होगा वह कैसा होगा। तो आप कहेंगे सर विलोमानुपात होगा, साफ साफ कहा गया है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर हम समय की बात करें तो बच्चों समय आपका दोगुना लगता है, यानी एक अनुपात दो लगता है। तो बच्चों अगर हम चाल की बात करें तो चाल क्या होगा, दो अनुपात एक होगा, ठीक है ना। तो बच्चों आपको वैसे भी पता है जब हम जोड़ेंगे तो अधिक होगा, जब घटाएंगे तो कम होगा, ठीक है ना। तो बच्चों आपका यह डाउन स्ट्रीम है, ठीक है ना भाई। अगर डाउन स्ट्रीम है तो समय आपको कम लगेगा, अगर उसी दिशा में आप चल रहे हैं तो आपको समय कम लगेगा। तो बच्चों आपकी चाल क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। उसी तरह बच्चों अगर धारा के विपरीत चलेंगे तो समय आपको अधिक लगेगा, ठीक है ना। तो आपकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। भाई चाल कम हो गई तभी तो समय ज्यादा लग रहा है। तो बच्चों यहां आपका एस वन प्लस एस टू अपॉन S1 माइनस S2 का मान क्या हो जाएगा, तो ये आपका दो बटा में एक। तो बच्चों S1 का मान क्या दिया हुआ है, साढ़े सात, और प्लस में S2 अपॉन यह आपका क्या हो जाएगा, सात दशमलव पांच, और माइनस में S, ऐसे लिख दीजिए, टू लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है, इक्वल टू दो बटा में एक। तो बच्चों यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर हम ऑप्शन के तरीके से रखें तो हम तुरंत आंसर दे पाएंगे। अगर बच्चों हम ढाई रख देते हैं, है ना, दो दशमलव पांच, तो साढ़े सात और ढाई कितना, तो ये आपका दस के बराबर, और साढ़े सात में से ढाई गया कितने के बराबर, पांच के बराबर। तो बच्चों यह आपका दो और एक का अनुपात आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे हाँ सर यहां तो हमारा अनुपात एकदम साफ साफ आ रहा है, या तो पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए या फिर यहां से आप डायरेक्ट बच्चों आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं, देखिएगा यहां आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सात दशमलव पांच और प्लस में एस, और फिर दो से गुणा कर दीजिए तो सात दुना चौदह, ये आपका पंद्रह, और माइनस में टू एस, ठीक है। तो टू एस आपका इधर जाकर क्या हो जाएगा भाई, ये आपका एस माइनस टू एस, ये आपका थ्री एस होगा, और पंद्रह और सात कितना हो जाएगा, ये आपका बाईस दशमलव पांच, ठीक है। तो बच्चों एस का मान क्या हुआ, तीन सत्ते इक्कीस, एक मिनट, ये आपका पंद्रह घट जाएगा ना, एक मिनट जाइएगा, ये आपका माइनस में टू एस है, हाँ, तो एस प्लस टू एस होगा, और ये आपका पंद्रह माइनस में सात दशमलव पांच, बिल्कुल। तो ये आपका थ्री एस का मान क्या आ जाएगा, तो ये आपका सात दशमलव पांच। तो बच्चों एस का मान क्या आ जाएगा, तो ये आपका ढाई आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। खैर यहां हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम चाहें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भाई ऑप्शन रखिए और उत्तर दीजिए, आपको तो सही उत्तर देना है ना, जितनी जल्दी से जल्दी दे सके, ठीक है ना, तो समय भी तो बचाना है। तो बच्चों उसके लिए हमारा सबसे सही तरीका क्या होगा, तो यह आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहां से आप आंसर दे सकते हैं कि आपका ढाई किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा। समझ में आया है, तो डायरेक्ट रख लीजिए, तो साढ़े सात और ढाई दस के बराबर, साढ़े सात में से ढाई गया पांच, तो क्या यह दो अनुपात एक आया, बिल्कुल आया। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ढाई के बराबर, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों इसके बाद है, यदि एक नाव 21 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रवाह के विपरीत जाती है और 28 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दूरी पर वापस आती है, तो कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी। तो बच्चों अगर हम औसत गति की बात करें तो आपको याद होगा औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको समझाते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए यह आपका डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और 21 किलोमीटर पर घंटे की प्रवाह से विपरीत जाती है, तो बच्चों अगर विपरीत आती है तो यह आपका विपरीत होगा, ठीक है ना, यह आपका क्या होगा, विपरीत होगा। तो विपरीत क्या है आपका, यानी यह आपका S1 माइनस S2 का मान कितना दिया हुआ है, तो यह आपका 21 दिया हुआ है, और उसके बाद फिर कहा गया है धारा के अनुकूल, अगर धारा के अनुकूल देखें तो चाल कितनी है, 28 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ आपका S1 प्लस S2 का मान क्या है, तो यह आपका 28। तो बच्चों
आप जाते हैं सापेक्षित चाल से 28 के और आते हैं 21 से, ठीक है। तो बच्चों चाहे तो आप यहां S1 S2 निकालें, और चाहे तो अगर आप नहीं निकालना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपको याद होगा कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, अगर औसत चाल की बात करें तो याद होगा आपको, हमने आपको लिखाया था, ठीक है ना, औसत चाल बराबर क्या होगा, 2 × SA × SB / SA + SB, ठीक है ना। तो आपका SA क्या हो जाएगा, इसे हम SA मान लेते हैं और इसे हम SB मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जाने का सापेक्षित चाल क्या है, 28 किलोमीटर पर आवर, आने का सापेक्षित चाल कितना है, 21 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहां से हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, यहां S1 और S2 निकालने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है ना। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2 × 21 × 28 और बटा में इन दोनों को जोड़ दीजिए, 21 + 28। तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 × 21 × 28 और बटा में ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 49, ठीक है ना। तो 7 × 21, 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 28, तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, तो यह क्या हो जाएगा, तो आपका 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं कि आपका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 24 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। देखिएगा, उम्मीद है सही बच्चों को सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ आपको रिलेटिव स्पीड देखना है कि जाने का जो सापेक्षित चाल होगा वह कितना होगा, 28 के बराबर, और आने का जो सापेक्षित चाल होगा वह कितना होगा, 21 के बराबर। तो बच्चों औसत चाल बराबर क्या होगा, 2 SA SB / SA + SB, तो 2 × 21 × 28 / 21 + 28, तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। अगर कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते जाते हैं तो क्वेश्चन बच्चों एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, जितना पढ़ाया उसका सारांश हम फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, ताकि बच्चों आपको एकदम चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए, एक बस नियत चाल से 420 किलोमीटर पर आवर की दूरी तय करती है, उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उस दूरी को एक घंटे कम समय में तय कर लेती, तो बस की चाल क्या होगी, ठीक है। ये आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लिए बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम समय की बात करें, ठीक है ना, तो साफ साफ कहा गया है कि दोनों समय का के बीच का जो अंतर होगा, T1 - T2 का कितना दिया हुआ है अंतर, क्या एक घंटा दिया हुआ है, साफ साफ कहा गया है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उस दूरी को एक घंटे कम समय में करता, यानी पहले की तुलना में उसे समय कितना कम लग रहा है बच्चों, तो यहाँ आपका एक घंटा दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर चाल आपकी एस रही होगी, ठीक है, तो पहले आपकी जो दूरी है वह कितना, 420, और किस स्पीड से, तो एस स्पीड से माइनस में। अब अगर चाल आप बढ़ा देते हैं तो बच्चों अब आपकी चाल कितनी हो जाएगी, तो यह आपका एस प्लस 10 के बराबर, और समय कितना लगता है, तो यह आपका 1 के बराबर, ठीक है बच्चों। तो अगर हम या तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर दे, यहां ऑप्शन से करना बच्चों ज्यादा आसान होगा, हम तुरंत कर ले जाएंगे, या फिर हम सॉल्व करके भी दिखा दे। देखिएगा, 420 कॉमन ले लीजिए, तो यह आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एस प्लस 10 के बराबर, ठीक है ना। यह आपका S प्लस 10 और माइनस में S, और यह आपका 1 के बराबर, ठीक है। तो S से S कट जाएगा, तो यह आपका 4200 बराबर, यह आपका S स्क्वायर प्लस 10S, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, S स्क्वायर प्लस 10S और माइनस में 4200 बराबर कितना, 0, ठीक है। तो देखिए, S स्क्वायर प्लस 70S माइनस में 60S माइनस में 4200 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। बच्चों 4200 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 60 × 70 लिख सकते हैं, तो बच्चों आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, S प्लस 70 आ जाएगा और फिर S माइनस 60 आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0। तो बच्चों यहां S का मान आ जाएगा, माइनस में तो आ नहीं सकता, तो प्लस का 60 किलोमीटर पर आवर यहां आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों एक तरीका हम चाहें तो इस प्रकार से अपना सकते हैं, या फिर
बच्चों सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ऑप्शन रखिए, ठीक है ना बच्चों, ऐसा ऑप्शन रखिए क्योंकि यह आपका क्या दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है। तो बच्चों अगर यह आपका पूर्णांक में दिया हुआ है तो क्यों ना हम ऐसा वैल्यू रख दें, क्यों ना बच्चों हम ऐसा वैल्यू रख दें जिससे यह भी कट जाए, यह भी कट जाए। तो बच्चों अगर हम s का मान 60 रख दें तो आप बताइए 420 बटा में 60, ठीक है होगा, और माइनस 420 और 60 में 10 जोड़ दीजिए तो 70, ठीक है। तो यह आपका कितने बार में, 7 बार में, और यह आपका कितने बार में, 6 बार में, तो यह आपका कितने बार में, 1 बार में, तो आपका अंतर कितना है, 1 है। इसका मतलब इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह आपका 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। उम्मीद है ये सारी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। चलिए हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पूरा का पूरा नाव और धारा में यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है, ठीक है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं बच्चों तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिएगा एक बार फिर से मैं आपको दिखला देता हूं और चीजें समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था, दो बातें समझाई थी। सबसे पहला क्या था कि आपकी जो पानी होता है दो प्रकार का होता है, एक तो ठहरा हुआ पानी होता है, स्थिर जल होता है, और दूसरा बहता हुआ पानी होता है, ठीक है ना, जिसे हम धारा कहते हैं। तो बच्चों अगर आप ठहरे हुए पानी में किसी नाव को छोड़ देते हैं तो वह नाव खड़ी रहेगी, अगर नाव की अपनी चाल नहीं है तो नाव क्या बहेगी, वह नहीं बहेगी, वह वहीं रुकी रहेगी। लेकिन बच्चों अगर किसी नाव को आप धारा में छोड़ देते हैं, ठीक है, और नाव की अपनी कोई चाल नहीं, उस पर कोई नहीं बैठा है, तो क्या नाव बहना स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं होगी, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि धारा तो बह रही है ना। तो बच्चों अगर धारा बह रही है तो नाव भी बहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चों यहां पर चाल केवल और केवल किसका लिया जाएगा, तो स्थिर जल में नाव की चाल। तो कभी भी एस वन की बात की जाएगी यानी स्थिर जल में नाव की चाल, तो यह आपका एस वन होगा। और दूसरा बच्चों अगर धारा की चाल की बात की जाती है तो अब यहां जो नाव की चाल है वो आपका दो प्रकार का हो जाएगा, तो नाव की चाल या तो आपका डाउनस्ट्रीम या तो बच्चों आपका अपस्ट्रीम, ठीक है ना। अगर एक ही दिशा है तो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों की दिशा अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा, इस बात को आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो यहां S1 क्या होगा, अगर नाव की चाल केवल कही गई है तो नाव की चाल में दो बातें रहेगी, एक तो स्थिर जल में नाव की चाल और दूसरा धारा की चाल, ठीक है। और अगर दोनों की दिशा सेम है तो ऐड कीजिए, अगर दोनों की दिशा अलग अलग है तो आप माइनस कीजिए, ठीक है। तो बच्चों यही एक फॉर्मूला, तो यहां अलग अलग फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं हो पड़ेगी, नहीं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे जहां आपको बहुत सारे फॉर्मूले देखने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है बच्चों। एकदम ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास बच्चों समय काफी कम है, और यही समय है कि अगर आप 2-3 महीना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 100% सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता, और एक बार अगर आपकी नौकरी लगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा ना कि आगे कभी किसी एग्जाम में बैठेंगे ना तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल रिवाइज करके चले जाएंगे ना, तो उतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जाके आप एग्जाम निकाल आएंगे, बड़े से बड़े एग्जाम निकाल आएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ना वो भी खत्म हो जाएगी, तो इससे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो एकदम ईमानदारी से पढ़ते रहिए, कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर और हमेशा जब भी पढ़े ना तो ये समझ के पढ़िए कि अगर 2 साल पढ़ रहे हैं तो ये 2 साल आपके आगे के 35 या 40 साल की जिंदगी निर्धारित करेगी। अगर मान लीजिए अभी आप 20 साल के हैं तो आपको 60 साल तक जॉब करनी है, यानी हर एक साल 20-20 साल के बराबर है, यानी एक साल अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो 20 साल की जिंदगी मस्त कटेगी, फिर एक साल और पढ़ लेंगे तो फिर 20 साल की जिंदगी बहुत मस्त कटेगी, ठीक है ना बच्चों। तो यही 2 साल की मेहनत और आगे की 40 साल आपको इसी पर जीना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो जिंदगी भर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी पोस्ट आपको मिलेगा डिपेंड करता है, ठीक है, तो उस पोस्ट आपका हमेशा डिफाइन करेगा, ठीक है। तो बच्चों एकदम ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, कहीं भी कोई भी लापरवाही मत कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि सारी बातें आप सभी बच्चों को एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर रही होगी, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चों को सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चों।